हल्द्वानी में बीते दिनों 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। इसके तहत ही अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज किया हो गया है और यह मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन के षड्यंत्र से खुटबुट करने की है। बता दें कि इस मामले में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया और उसके नाम से शपथ पत्र भी बनवाए गए। वही इस मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं। सरकारी जमीन को खुटबुट करने और षड्यंत्र रचने के मामले में अब्दुल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बनभूलपुरा की भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से जाना जाता है। उसमें 13 बीघा 3 बिश्वा की जमीन मूलतः लीज में दी गई थी, बाद में वो लीज खत्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी जमीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं। लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों के अनुसार 1988 में होना प्रतीत होता है, लेकिन अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति द्वारा ही 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करना हमारे संज्ञान में आता है, हमारे अभिलेखों में एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है और फिर आगे चल करके उस ज़मीन पर एक तथाकथित हिब्बा नामा के आधार पर अपनी स्वामित्व की बात की जाती है। हिब्बा नामा कोई प्रमाण नहीं है, केवल मौखिक हिब्बा नामा की बात की जा रही है।